Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक ऐसा गेम जो कि मेरे बचपन का फेवरेट गेम हुआ करता था. भाई तुम लोग मानोगे नहीं यार, इस गेम को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा खेलने के लिए साइबर कैफे में पूरे ₹5 देने पड़ते थे. क्या कह रहे हो, ₹5 ज्यादा नहीं होते भाई? उस टाइम पर ₹5 ₹500 के बराबर थे. हम तीन चार दोस्त यार पैसे मिला कर गेम खेलने जाते थे और उसमें भी आधा घंटा लड़ाई होती थी कि कौन खेलेगा. बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ. यस गाइस, कोई और गेम नहीं, इट्स GTA San Andreas. भाई ये समझ लो हमारे लिए 20 साल पुराना GTA 5 है. इस गेम में यार पूरे टाइम में लगे रहता था ट्रेन को रोकने में. मेरी कितनी सारी गाड़ियां फूट जाती थी बट ट्रेन कभी नहीं रुकती थी. ट्रेन तो कभी रुकती नहीं थी पर मेरा पूरा मन करता था कि भाई मैं एक बार एयरपोर्ट में जाके प्लेन उड़ा लूं. भाई वैसे एयरपोर्ट में घुसना तो मुश्किल था पर तुम्हारे भाई ने चीट कोड डाला मस्त एकदम रॉकेट मैन और जेट पैक पहन के एयरपोर्ट में जाके फुल प्लेन उड़ाते थे. क्या यार एकदम बचपन के दिन कितने बढ़िया थे यार. इस गेम में बहुत मजा आता था, पूरे दिन खेलते थे. बट आज हम लोग अपने बचपन को रिपीट करने वाले हैं. मतलब आज हम लोग दोबारा से उस ट्रेन को रोकने का ट्राई करेंगे और अगर नहीं रुकी ना तो स्टेशन पे जाकर ड्राइवर को उतार कर ट्रेन चुरा लूंगा और फिर बिना चीट कोड यूज करे मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है, प्लेन चुराना है और उड़ा के घूमना है भाई आसमान में, चाहे मैं कहीं भी जाऊं. और आज हम लोग इस गेम को खेलने जा रहे हैं अपने न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में. भाई ये फोन में है गैलेक्सी AI, यानी इतने सारे AI फीचर्स इस स्मार्टफोन के अंदर भरे हुए हैं ना, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है. जैसे कि इस में एक फीचर यह है, तुम लोग इसमें लाइव ट्रांसलेट कॉल कर सकते हो. मतलब सामने से कोई बंदा स्पैनिश, इंग्लिश, जर्मन किसी भी लैंग्वेज में तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें सीधा उसकी आवाज हिंदी में आएगी. रोनाल्डो भाई बोलो क्या कह रहे थे, वैसे कैसे हो आप? Soy buen hermano. मैं अच्छा हूं. Hermano, escuche que tú eres muy popular en la India. और तुम लोग हिंदी में बोलोगे तो उसको उसकी लैंग्वेज में जाएगी. और दूसरा यूजफुल फीचर बताऊं, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा काम का है मेरे. आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूं ना भाई, कैप्शन समझ नहीं आते. तो इस फोन के कीबोर्ड में ही भाई हमें यहाँ पर एक फीचर मिलता है चैट असिस्ट का. हमारे कीबोर्ड पे एक बटन आ रहा है, बस मुझे ये टाइप करना है. यहाँ पर अब कुछ लिखते हैं रुको. हाँ चलो लिखते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले सम गेम्स. अब मैं इस AI को बोल देता हूँ कि भाई इस टेक्स्ट को ना थोड़ा सा इसमें मैजिक छिड़क दो ऊपर से. ठीक है, तो इसने भाई देखो क्या लिखा, आई एम फीलिंग लाइक गेमिंग, लेट्स हैव सम गेमिंग फन, हैशटैग गेमर मोड ऑन, हैशटैग प्ले टाइम. भाई इमोजी वगैरह सब लगा रहा है ये. मतलब अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे कैप्शन नहीं आ रहे या फिर तुम्हारी इंग्लिश में थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक है, मेरे से तो बहुत होती है भाई, तो ये AI तुम्हारे सारे काम यूं करने वाला है. और एक और मस्त फीचर है इसमें सर्कल टू सर्च का. तुम्हें अपनी स्क्रीन पर भाई कोई भी चीज दिख रही है कहीं यूट्यूब पे या किधर भी, तुम्हें बस उस पे सर्कल बनाना है, दैट्स इट. वो सर्च करके तुम्हें ढूंढ डांट के कहीं से भी ला के दे देगा. और सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर जो मुझे पसंद आया भाई वो है जेनरेटिव AI का. फॉर एग्जाम्पल ये एक फोटो है, मैं इस फोटो पे AI मारने वाला हूँ. मान लो कि मुझे इतने एरिया को पूरा चेंज करना है, तो मैंने करा सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के बाद भाई मैं इस पार्ट को कर दूंगा डिलीट और यहाँ पर मैं करा दूंगा जेनरेट. देखो भाई गैलेक्सी AI ने अपना मैजिक दिखाना तो चालू कर दिया. तब तक तुम लोग भी जाके यार नीचे ना लाइक का बटन है उसे दबा दो, देखते हैं भाई क्या बनाता है. जल्दी जल्दी लाइक दबाओ भाई, तभी तो तेज काम करेगा ये. देखो भाई इसने जेनरेट तो कुछ बढ़िया करा है, इसने एरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया. पहले तो 3 को इसने 4 बना दिया और स्टेडियम में काफी सारी चीजें अलग कर दी. मतलब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे बिल्डिंग ऐड कर सकते हो, स्काई चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें. ठीक है यार, इस गैलेक्सी AI की तो बात खत्म नहीं होने वाली, बहुत सारे फीचर है. अभी हम लोग चलते हैं गेम में. ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का 20 साल पुरानी GTA 5 में. वैसे जिन लोगों को नहीं मालूम मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस, ये एग्जैक्ट वही शहर है जो GTA 5 में होता है, लॉस सैंटोस सिटी. तुम्हें सामने वो बड़ी वाली बिल्डिंग तो नजर आ ही रही होगी, पहचान गए हो मुझे मालूम है. बाकी ये जो तुम बंदा देख पा रहे हो ना, ये है कार्ल जॉनसन, ये भाई फ्रैंकलिन का रियल लाइफ कजन है. बाकी ठीक है, आज का अपना टास्क है हमें ट्रेन को रोकना है, ट्रेन को चलाना है, प्लस एयरपोर्ट के अंदर घुस के प्लेन को चलाना है, वो भी बिना चीट कोड यूज करे. तो सबसे पहले अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेते हैं. वाह क्या प्यारे प्यारे साउंड इफेक्ट है इस गेम के, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं. बाकी ये जो अपनी गाड़ी है ये बहुत पुरानी वाली मस्टैंग, ये तुम्हें मैं एकदम ड्रिफ्ट करके दिखाऊं उनको. ए भाई डोनट बना देती है गाड़ी बढ़िया वाले. ये देखो 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 भाई तुम इस गाड़ी को, ये आगे रेस देके एकदम एक और प्यारा डोनट बनाते है भाई. भाई मैं ना इस गेम में ये सब बहुत हरकतें करता था यार, बहुत ज्यादा. बाकी ठीक है, शायद से कोई लड़की मुझे फालतू बोल रही है जब मैं स्टंट कर रहा हूँ. कौन है भाई, ज्यादा बोलेगा बेटे टक्कर मार दूंगा. इधर आ, ये बंदा फालतू बोल रहा था ना, निकल यहाँ से, इसकी तो हड्डी पसली एक हो गई भाई. चलो यार बातें चाहते बहुत हो गई, अब फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए. वैसे रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर ये चेक कर रहे हैं गाड़ी ट्रेन रुक पाती है या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें जाना है रेलवे ट्रैक पे जो कि आ गया. हम लोग भाई बहुत ज्यादा डाउनटाउन एरिया में रहते हैं. ये देखो भाई, ये है वो रेलवे ट्रैक जहाँ पर ट्रेन आती है, पर पता नहीं कब आती है मुझे नहीं मालूम, बट मैं अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करके छोड़ दे रहा हूँ. ट्रेन जब भी आएगी पता चल जाएगा भाई गाड़ी रोक पाती है नहीं. तू भी भाई गाड़ी दे मुझे. अरे 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 मेरे भाई, ओ अरे रुक जा, चला गया
कोई बात नहीं। अरे अरे भाई जाम लग जाएगा। ला भाई ये गाड़ी। ओए पुलिस पुलिस। नहीं 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 पुलिस पुलिस ने देखा नहीं भाई, बट ठीक है मैंने गाड़ी चुरा ली है एक और। अरे रेडियो चल रहा, रेडियो बंद करो। हाँ तो मैंने दो गाड़ी चुरा ली है भाई। दुख इस बात का पुलिस वाले के आगे मैंने गाड़ी चोरी करी, अच्छा हुआ देखा नहीं उसने। चलो गाड़ी को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं एकदम आराम से और साइड में खड़ी करते हैं। तुम देख रहे हो भाई रोड पर मैंने 2 से 3 गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दिया। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ सामने से जैसी ट्रेन आएगी भाई। ये गाड़ियां थार 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 उड़ने वाले या फिर ट्रेन को रोकने नहीं आए। ट्रेन बहुत पावरफुल होती है, रोकना हार्ड है। अगर कोई ट्रक मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा यार। ट्रक 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 यार इसकी गाड़ी बढ़िया लग रही है। ओए भाई साहब ओए गाड़ी दे बाहर निकल। चल 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 2 मिनट में बाहर। बेटा बंदूक है मेरे हाथ में। वैसे सही बताऊं अरे रेडियो भाई रेडियो चला के घूमते हैं। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि जो गन मेरे पास है ना उस गन में ज्यादा गोलियां नहीं है, 20-20 गोलियां हैं। वो गोली चल गई। कौन है भाई? भाई गैंग वॉर हो चुके यार हम लोग। ओ तेरी गाड़ी में आग लगा दी। आओ पागल हो क्या भाई? एक सेकंड रुको, फायदा अपना होगा। जमीन पे पैसे वैसे पड़े हुए थे मैं तो उठा ले रहा हूँ। पर ट्रेन का भाई की मैं तो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ट्रेन भाई आजा यार। पर यार मस्त हो गया, ये गाड़ी फूट के भी यहीं पर पड़ी हुई है भाई। यहाँ पर कोई ना ये बल्लास गैंग का बंदा। भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तेरे मैं भर दूंगा। हटियो जरा इसको बताता हूँ भाई। भाग ऐसे ज्यादा चल रहा है भाई। यहाँ पर गैंग वॉर हो गई यार। ये बल्लास गैंग के बंदे आगे मुझे मार रहे हैं। भागो यहाँ से भाग। भाई पुलिस भी आ गई सही टाइम पर यार। पर मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गई यार। यार मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं, खुद ही आके गोली वोली मारने लग गए यार। मैं तो अच्छे बच्चों की तरह यार यहाँ पर खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहा हूँ यार। मैं ट्रेन देखने आ रखा हूँ भाई। क्या हो गया यार, ट्रेन तो आने का नाम ही नहीं ले रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तो ये एरिया इतना ज्यादा अनसेफ है, बात बात पे गोलियां चले जा रही है यार। ये अब तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। देखते ही देखते रात होने वाली है। मैं सही बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ घर, ट्रेन आए चाहे ना आए। पर घर जाने का जो तरीका है ना वो मैं थोड़ा सा बदल लूँ। मैं यहाँ पर ना कोई एक गाड़ी को इधर आ, पहले सबको मारूंगा। भाई गाड़ी में बैठो, अभी हो चुके बहुत ज्यादा हालत खराब। मेरे को सीधा गाड़ी लेके निकलना है घर। देखो अभी ना भाई खड़े खड़े रात हो चुकी थी, इसके लिए मैं घर आ चुका हूँ वापस। कल चलेंगे भाई दोबारा से सीधा रेलवे स्टेशन। यहाँ ट्रेन नहीं आई तो क्या होगा भाई, रेलवे स्टेशन पे तो रहेगी ना। चलो भाई फिलहाल चलते हैं सोने के लिए। बाकी जिन लोगों ने मेरा वाला घर नहीं देखा, देखो मैं थोड़ा सा टूर करा देता हूँ। अपना बहुत अच्छा घर है, यहाँ पर हमने छोटा सा टीवी लगा रखा है, बैठने बैठने के लिए एरिया है। और सीढ़ी से अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा हमारा एक मस्त आलीशान बेडरूम। आलीशान तो खैर बिल्कुल नहीं है, बाकी ठीक है अभी सोते हैं थोड़ा। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है। और कल के दिन हमें यार कोई भी ट्रेन नहीं मिली थी, तो एक बार दोबारा से गाड़ी बाहर निकालते हैं। और यार आज मैं जा रहा हूँ सीधा रेलवे स्टेशन, अगर तब भी ट्रेन नहीं मिली तो एयरपोर्ट जाएंगे भाई। पर यार सच बताऊं मेरा बहुत ज्यादा मन है यार ट्रेन चलाने का, सचमुच में यार। लेट्स गो, गाड़ी को लेकर चलते हैं फुल स्पीड में। तुम्हारा भाई सुबह उठते ही सीधा निकल जाता है यार ट्रेन के लिए, इतना ज्यादा प्यार है यार मुझे ट्रेन चलाने से। लेट्स गो, वापिस आ चुके हैं यहाँ पर। रेलवे ट्रैक पर तो कोई ट्रेन नहीं है, मैं सीधा ढूंढता हूँ रेलवे स्टेशन। चलो गाइस मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ, बट मुझे यहाँ पर भी यार कोई ट्रेन फिलहाल आई हुई तो नहीं दिख रही है। बट यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं, तो शायद क्या पता थोड़ी ट्रेन में कोई ट्रेन आने वाली हो। बट यार जो भी हो मैं सच बता रहा हूँ इस जगह पर भाई बचपन में बहुत टाइम स्पेंड करा यार। लोगों को आके मारते थे, ट्रेनें चुराते थे, कुछ भी करते रहते थे। इसको देखो भाई बॉडी बिल्डर जा रहा है यार। वो बॉडी बिल्डर भाई तेरे को पता है ट्रेन कितने बजे आती है, तू ऐसे टाइम पास करने आया यहाँ पे? पता नहीं यार इसको कुछ पता नहीं है। बट यार जो भी है रेलवे स्टेशन पे भीड़ तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। 4-5 मिनट वेट करके देखते हैं ट्रेन आती है नहीं। वेट 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 वेट, फाइनली एक ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। और अबे ये कौन सी ट्रेन है? ये तो मालगाड़ी है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मालगाड़ी हो जो भी गाड़ी हो मुझे अभी ट्रेन चलानी है, ट्रेन ये भी होती है। चलो 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 जल्दी से भाई जल्दी से बाहर आ जाओ। ओ ट्रेन वाले भैया बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। अभी ये ट्रेन अपनी हो चुकी है, चोरी होगी, डाका डल गया, बाहर निकलो। लेट्स गो, अब हम इस ट्रेन के साथ करने वाले हैं कुछ मस्ती खोर हरकतें। ट्रेन सीधी तो चलती है, आज हम लोग इस ट्रेन को चलाने वाले हैं उल्टा, वो भी फुल स्पीड में। देखते हैं भाई इसके साथ क्या होता है। भाई ये देखो यार काफी ज्यादा लंबी ट्रेन थी यार, आजकल लग रहा थोड़ा बहुत स्ट्राइक पे है क्या ट्रेन वाले। लेट्स गो भाई, उल्टी चला रहा हूं मैं ट्रेन बहुत ही तेज स्पीड में। इसको लेके चलते हैं सीधा शहर से बाहर। ये देखो भाई यहाँ पे आ रहा है एक बहुत ही खतरनाक वाला कट। ट्रेन यहाँ से एकदम प्यार से मुड़ चुकी है। ये भाई बंदे कह रहे होंगे ये ट्रेन उल्टी का आ रही है शहर में। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बहुत ही तेज है भाई अपनी ट्रेन की स्पीड। ये देखो शुक्र है भाई यहाँ पर किसी की गाड़ी ने टक्कर नहीं खाई। मेरे हिसाब से इस टाइम पर अपनी ट्रेन भाई पूरी 100-150 की स्पीड में जा रही है, और शायद से कुछ बहुत गलत हो सकता है। भाई अभी मैं अपनी ट्रेन को लेकर किसी टनल में आ चुका हूँ, पर यहाँ पर ना ब्रेक मार लेते हैं एक प्यारी सी। अरे आराम से आराम से, रुक के नहीं रही। वेट 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 गाइस, क्या है कि ना हम लोग अपनी ट्रेन को शहर से ही बाहर लेकर आ चुके हैं। हमें कहीं जाना थोड़ी है, हमें इस ट्रेन के साथ करनी है थोड़ी मस्ती।
लेट्स गो, भगाते हैं दोबारा से ट्रेन को फुल स्पीड में। मैं तो चाह रहा हूँ भाई शहर में किसी की गाड़ी वाड़ी आ जाए, ठोक दे गंदी तरह। मुझे यार पता नहीं क्यों थोड़ी सी गलत फील आ रही है कि अपनी ट्रेन के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। और ये देखो भाई शहर में हो रही है भाई बहुत ही भयंकर वाली बारिश। लेट्स गो भाई, गाड़ी जा रही है फुल स्पीड में और ये देखो भाई क्या स्पीड है। लेट्स गो लेट्स गो, ये गई अपनी ट्रेन और यहाँ पे बहुत खतरनाक टर्न है और क्या मुड़ी है, जंगलों में आ चुकी है भाई शहर से बाहर अपनी ट्रेन। अरे बहुत ही तेज जा रही है तो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, आज इसके मैक्स स्पीड चेक करते हैं। पुलिस वाले भी कह रहे होंगे भाई ये ट्रेन वाला पागल हो गया क्या, उल्टी चला रहा है। ओए ओए एक सेकंड, ट्रेन बहुत ज्यादा कांप रही है भाई, ये क्या बहुत ही तेज चल रही है। वेट रास्ता खत्म हो गया यार, रास्ता खत्म हो गया। गाइस हम लोग शहर से बाहर आ चुके हैं, ये देखो यहाँ पर ना ट्रेन अपने आप ही आकर रुक गई, इसके आगे एक्सेस नहीं यार अपने को। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रेन से अपने शहर में वापस चलते हैं। चल भाई चला ट्रेन, शर्मा क्यों रहा है। अबे ये क्या हो गया, ट्रेन पीछे जा रही है पर आगे नहीं जा रही, ये क्या। मैं दूसरे शहर में आ गया सीधा। गाइस अभी हम लोग ना अपनी ट्रेन को भगाते भगाते बिना पासपोर्ट के एक दूसरी कंट्री में आ चुके हैं और अपने पीछे 4-स्टार पुलिस लग चुकी है। भाई बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है, ये पुलिस छोड़ेंगे नहीं, हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं। भाई साहब अपनी ट्रेन आंधी की स्पीड में चल रही है यार। ये क्या हुआ भाई, ट्रेन का एक्सीडेंट, ये क्या देख रहा हूं मैं। वेट भाई, ट्रेन कहीं पे जाके भिड़ी है इतनी तेज, उस इंजन पटरी से उतर चुका है, ट्रेन पलट गई है और अब मैं गया। जब तक मैं ट्रेन में था मैं सेफ था, बट अभी पुलिस मेरे को बहुत बुरी तरह मारने वाली है। हेलीकॉप्टर और यहाँ पर आओ, आ तेरी ऐसी की तैसी तुझे मारेगा, अबे इसको मार मार, आ वो बहुत सारे हैं, अबे नहीं आओ। मैं कह रहा था ना मेरे पीछे बहुत ज्यादा पुलिस पड़ी हुई है, मैं ट्रेन में बहुत तेज स्पीड में था इसलिए दिख नहीं रही थी। भाई मार पीट के इन्होंने हमें हॉस्पिटल में लाके छोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, अपना ट्रेन चलाने का तो ड्रीम है वो तो पूरा हो चुका है, पर अब बारी है प्लेन चलाने के। पुलिस वाले हटे ऐसे, मुझे मारेंगे भाई, पुलिस वाले की गाड़ी चुरा ली सीधा। भाई देखो मुझे ना, मैंने बाइक क्यों चुराई है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए ना हमें बाइक का ही हेल्प लगेगा, तुम लोग को पता नहीं होगा बट ये जो एयरपोर्ट है ना वो लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट है और उसके जो दरवाजे हैं ना यार वो नॉर्मली ओपन नहीं होते हैं, तो हमें अपनी बाइक को बहुत ऊंचा जंप कराना है और फिर अंदर जाना है प्लेन चलाने के लिए। बाकी पहले यार पुलिस वालों की बाइक चुराई है, पुलिस वालों से पीछे छुड़ाना पड़ेगा, वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। किसी गली में जाके चुपचाप से खड़े हो जाता हूँ थोड़ी देर, शायद से मामला शांत हो जाए। बाकी ठीक है, देखते हैं यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है। गिरा तो जो हाईवे एयरपोर्ट पे जाता है मैंने वहां का मैप लगा लिया, अब यहाँ से चलते हैं यू टर्न। पागल है क्या भाई, तेरी गाड़ी का मैं शीशा तोड़ दूंगा, हटिए। अबे ये तो गैंगस्टर आ गए भाई मुझे, अरे मारो मैं तैयार, मेरे को बाइक लेके जाने दो। अबे ये मार रहे हैं भाई, लड़ाई हो गई यार। चलो भाई तुम्हारा भाई यार बाइक ना बहुत अच्छी चलाता है, मैं तुम्हें स्टंट करके दिखाऊं, मेरे को स्टंट भी आते हैं इसमें। देखो ये करी राइट और अब तुम्हारा भाई दिखा तुम्हें व्हीली, ये एक टायर पे सीधी, दोबारा से एक और, ये वाली अच्छी नहीं थी, एक और, ये ब्रो बच के भाई अभी गिर जाते, कोई नहीं, एक और व्हील ली, ये देखो हट जा, ओ भाई गंदी तरह गिरा हूँ तुम्हें, अब पुलिस आ गई, सॉरी, कोई बात नहीं भाई, पुलिस वालों की बाइक अपने पास है, ये मेरे को गिराएगा। बच गए भाई। चलो भाई फाइनली उस हाईवे पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे एयरपोर्ट तक जाना है। अरे भाई एयरपोर्ट के पास तो अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ है, रुको भाई मुझे उस ट्रैफिक में नहीं जाना, मुझे जाना है इस लेफ्ट वाले रास्ते पे क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर यही रास्ता ले जाता है। देखो भाई मेरे ऊपर है एयरपोर्ट और अगर मैं ये वाली जो वॉल है ना, ये लंबी वाली वॉल, इसको पार कर दूंगा तो एयरपोर्ट में जा पाऊंगा। सामने कुछ प्लेन वगैरह भी खड़े होंगे बट यार मैं इसको पार कैसे करूँ यार। अबे यार कैसी बाइक है ये यार, बोल तो बहुत ज्यादा ऊंची है, अंदर जाने का मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। भाई रुक जा, वैसे यार देखो पक्का कोई ना कोई रास्ता तो होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ ये देखो ये वाली बॉल थोड़ी छोटी है, यहाँ पर एक दरवाजा है भाई, रुक जा, क्या यहाँ से जा सकते हैं? वो कह रहे हैं यहाँ से सिर्फ पायलट जा सकते हैं यार। देखो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये वाली वॉल चढ़ सकता हूँ, अगर मैं पहले इसके ऊपर चढ़ जाऊँ। ओ चढ़ गया, चढ़। ओ भाई हम लोग एयरपोर्ट में तो आ चुके हैं भाई, अब बस ना यार हमें एकदम पुलिस से बच के रहना है और एयरपोर्ट। अरे एक सेकेंड, रुको, ठीक है, यहाँ से भी टाप के जा सकते हैं उधर। मुझे लग रहा था भाई एक और दीवार आ गई, आगे कैसे जाएंगे, बट ठीक है एयरपोर्ट के अंदर तुम्हारा भाई आ चुका है। प्लेन ढूंढना भाई, प्लेन कहाँ खड़े होते हैं। अभी ये गाड़ी दे। अरे यार भाई यहाँ से जो गाड़ी आ रही है मुझे गाड़ी चाहिए,
दे 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 इधर दे, पुलिस को मत बताइयो ये गाड़ी दे, मैं जा रहा हूँ सीधा प्लेन के पास भाई, लेट्स गो। भाई ये गाड़ी कहने को तो छोटी सी है, बट बड़ी गाड़ी क्या करनी है, अपने को छोटी गाड़ी चाहिए। देखो सामने हेलीकॉप्टर खड़ा है, राइट में यहाँ पर प्लेन होने चाहिए यार, यहीं कहीं पर प्लेन सामने हैंगर्स है, उधर होगा प्लेन। यार अभी तो अपने पीछे पुलिस भी नहीं है, पुलिस को खुद नहीं पता मैं शहर में कहाँ भाग चुका हूँ। वेट लेट्स गो, हमें एक प्लेन भी मिल चुका है, हम लोग अपना दूसरा चैलेंज भी कंप्लीट करने वाले हैं भाई, थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ। आज हमने ट्रेन चला ली और अब बारी है प्लेन उड़ाने की। बस यार मेरे को आता तो है चलाना, बट यार बहुत टाइम हो गया है ना, तो एक्सीडेंट ना हो जाए। लेट्स गो, मज़ा आएगा भाई, बहुत तेज ले जाएंगे भाई इसको एकदम ऊपर और किसी दूसरे शहर में लेके चलेंगे और लैंड करेंगे। अरे रेडियो बंद करो यार। चलो प्लेन को ला रहा हूँ मैं पीछे, एक बढ़िया वाला टेक ऑफ हो जाए बस इसी बात पे। ओके प्लेन आ चुका है रनवे पे, यस तो अब मारते एक बढ़िया सी रेस और प्लेन को कर लेंगे ऊपर। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई उड़ा दिया, आता है यार ये सब तुम्हारे भाई को, मस्त आराम से आराम से। भाई थोड़ा सा तो अजीब है ये, देखो गाइस अपनी GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन का न्यू मैप, खैर मैप तो वही है, क्वालिटी मस्त हो चुकी है भाई। तुम्हारा भाई देखना ना, अभी बिल्डिंग के बीच में से निकाल दूंगा प्लेन को, ठीक है, तुम्हें जादू दिखाते हैं। ये गया प्लेन अपना और इसी के साथ ये भाई सही में निकाल दिया भाई। देखो उड़ा तो लिया मैंने, पर लैंड कैसे होता है मुझे सच में नहीं मालूम। पर भाई ये देखो यार क्या नज़ारे हैं यार, एकदम मस्त प्लेन उड़ाकर हम लोग शहर से निकल चुके हैं और अपने पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है, वो भी 4 स्टार की, जो कि हमें हवा में थोड़ी कुछ कर लेगी यार, जेट थोड़ी भेज देगी। जहाँ तक मुझे ज़्यादा जेट नहीं भेजते लोग, ये भेज देते हैं यार, पता नहीं याद नहीं आ रहा। सामने दूसरी सिटी है, उतर के ना कहीं छुप जाते हैं, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर दूसरी सिटी का एयरपोर्ट है, प्लेन लैंड करा दूं यहाँ। टायर कैसे खुलते थे भाई प्लेन के? भाई प्लेन के टायर नहीं खुलने, मैं लैंड कैसे कराऊं? दे मारा यू टर्न बढ़िया वाला। ओए पानी में नहीं, पानी में नहीं। मिसाइल आ रही है क्या भाई? मिसाइल आ रही है शायद। ओह मेरे पीछे मिसाइल फूटी है गाइस, ऐसा लग रहा है मिसाइल आ रही है अपने पीछे। ओ भाई प्लेन में आग लग गई। ओ नहीं नहीं, ये लोग मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। ओ तेरी, नहीं नहीं भा, हाई हाई प्लेन कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे जिंदा बचना है। अरे 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 बस 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 बच के पहुंच के लग गई आग, मरने वाला हूँ। कूद जाऊँ क्या? खेत में ओ भाई, ओ भाई पूरा प्लेन फोड़ डाला भाई मिसाइल मार मार के। बट ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं दोबारा से, पर हम लोगों ने अपने मिशन कंप्लीट कर दिया, प्लेन चलाना, प्लेन उड़ाना, सब कुछ। बाकी तुम लोग यार फोन की डिस्प्ले क्वालिटी देख ही पा रहे हो भाई, सैमसंग है यार। रे ट्रेसिंग तुम्हें मालूम है? जिन लोग को नहीं मालूम एक बार बस तुम ये देख लो, मतलब भाई चीज की ऐसी रिफ्लेक्शन आती है कि सारी चीजें एकदम रियलिस्टिक लगती है। और जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आता है ना भाई, रे ट्रेसिंग तुम्हें किसी भी फोन में नहीं मिलेगी। और सैमसंग है तो डिस्प्ले क्वालिटी की टेंशन नहीं भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। बाकी फोन का प्रोसेसर बहुत मस्त है, इतनी देर से फोन पे गेम खेल रहा हूँ, इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रोसेसर इतना ज्यादा यूज हो रहा है और फोन बिल्कुल भी हिट नहीं। एक तो यार इतना प्यारा सा फोन है भाई, कवर लगाने का भी मन नहीं करेगा। बाकी ठीक है यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक जरूर करना यार। मुझे तो मेरे बचपन के दिन याद आ गया यार, मैं बहुत खेलता था इस गेम को, मैं क्या मेरे सारे दोस्त, मेरा भाई, मेरा उससे बड़े वाला भाई सब खेलते थे। तो अगर आप लोगों ने भी बचपन में इस गेम को बहुत खेला है तो नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी अगर आप लोग भी कोई बजट गेमिंग फोन लेने का प्लान कर रहे हो तो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। फोन की लुक अच्छी है, फोन में बहुत सारे फीचर है, स्पेशली AI वाले, मतलब ऐसे फीचर जो तुम्हें किसी दूसरे फोन में तो फिलहाल अभी नहीं मिलते। बाकी गेमिंग के मामले में तो आप लोगों ने देख लिया भाई क्या बढ़िया चल रहा है यार, 7 GB का ये गेम है, कितना स्मूथली रन हो रहा था। तो फिर देर किस बात की यार, जल्दी से जाओ, बहुत ही अमेजिंग डील्स चल रहे हैं फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज पर, जहां पर तुम्हें मिलने वाले हैं सैमसंग डिवाइसेस पे बहुत ही भयंकर डिस्काउंट। तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस फोन का, आप लोग वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज के सारी वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.